हम कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे, हम इसी देश के बासिंदे हम, और यहाँ से एक इंच भी नहीं आए, अपनी जमीन पे बैठे हम, यहाँ से एक इंच देश के कानून के दायरे में रहकर हम इसी देश के कानून को भली भांति जानता हूँ मैं, इसका इस देश के कानून को, मैं हर चीज को जानता हूँ, इस देश का कानून है। राम रहीम को वहां से हेलीकॉप्टर से बैठा, आप मेरे को उकसा रहे हो, आप मेरे को उकसा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, महावीर खड़ा होकर इनकी फिल्म बनाओ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनकी फिल्म, अब भाई आप इस देश के, आप इस देश के कानून को, आप इस देश के कानून को तरीके से चला रही है हरियाणा सरकार, आप राम रहीम को हेलीकॉप्टर से जेल में लेकर आए हो, ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ ऐसा मामला के जो एक अपराधी को आप जो हेलीकॉप्टर के अंदर उसको बिठा गए और एक दूसरी अपराधी को उसके साथ बिठा रहे हो और फिर एक महीने तक उसके साथ आंख में चोनी का खेल खेल रहे हो, भाई भानी प्रीत नहीं पकड़ी गई तो जिप का कानून गया था। आज हम अपनी जमीन पे बैठे हुए शांतिपूर्वक धरने के लिए, शांतिपूर्वक धरने के लिए बैठे हुए हैं, आज आप हमारे को खदेड़ना काम कर रहे हैं, हम एक हमारे को परमिशन नहीं दी, हमारे को परमिशन देने की बजाय धारा 144 लागू कर, डीसी साहब को फिर मिलो ना, हम डीसी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब मिलती है, डीसी साहब होंगी तभी मिलेंगे, हम चीज कानून के दर में समाधान है उसका, समाधान करिए इस बार, हम इसका समाधान कर रखे हमने, हम यहीं बैठेंगे, आप हमारे को गिरफ्तार कर सकते हो, अगर हमने कानून तोड़ा है तो हमारे को इस चीज में कोई ऐतराज नहीं, हम 10 से 5 डेली देने में, इन्होंने लिख के जान पूछ के ना तो ये बताया कि भैया जमीन आपका टेंट नजदीक लग रहा है, आप पिछले नंबर में से जमीन दे दो, व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारी 3 एकड़ जमीन जगह चाहिए, हमारी 3 एकड़ जमीन पड़ी है, लेकिन चौकी इंचार्ज ने इसको बरगलाने के लिए, हमारे आंदोलन को फैल करने के लिए पूर्ण रूप से इन्होंने जो है अव्यवस्था का काम किया है और वो रिपोर्टिंग की है, ये सारी सारा जो षड्यंत्र है चौकी इंचार्ज ने किया है, प्रशासन हमारे को परमिशन मिलनी चाहिए, उसके लिए आप मिलो ना प्रशासन, मिली हम 10 बार जब हम मिले हैं, उसके मिलने के बाद तो धारा 144 लागू कर दी, मतलब परमिशन को कैंसिल करके तुरंत धारा 144 लागू करना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, तो इसके लिए मिलो ना, तब मिलेंगे उनसे, डीसी मैडम है नहीं, ये है ना डीसी मैडम है नहीं, हमारे आंदोलन में तो कोशिश की जा रही है, डीसी मैडम आऊंगी तो हम डीसी मैडम से मिलेंगे, समाधान ये मिलेंगे। रिलायंस के खिलाफ प्रस्तावित धरने को लेकर गुलिया खाप के सदस्यों ने दादरी रोड पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और हम पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जहां धरने का टाइम समाप्त होने की ओर है, प्रातः 10 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना स्थल पर प्रायोजित जो समय था उसकी अभी कुछ ही देर में समाप्ति होने जा रही है और हम बात करते हैं गुलिया खाप के अध्यक्ष सुनील गुलिया जी से। सुनील जी, आज इस धरने में क्या कार्यक्रम रहा और आगामी क्या रणनीति? संजय जी, आप हमारे साथ 2 महीने से लगे हुए, उसके लिए धन्यवाद, और हर चीज से वाकिफ हो, हमारा पिछली 28 तारीख से लेके आज का दिन आ गया, आज इन्होंने धारा 144 लागू कर दी है जिले के, इसके अंदर डेंसो कंपनी के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हमारे को ना धरने की परमिशन दी, ये प्रशासनिक अधिकारी सारे कंपनी के दबाव में कार्य कर रहे हैं और ना ही हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे उनका हनन किया जा रहा है, ना हमारे को धरने की परमिशन दे रहे, अभी हमने घोषणा कर दी, आज इन्होंने अखबार के माध्यम से धारा 144 लागू की है प्रशासन ने, और हमने उसी के साथ घोषणा कर दी कि हम धारा 144 को अपने मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए इस कार्रवाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे और हम यहाँ धरना स्थल पर बैठेंगे और हमारे किसान भाई, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, सारे जुम्मेवार आदमी आज धरने पर मौजूद थे, हमारे बादली SDM साहब और तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने हमारे को बताया और अपनी बातें रखी, हमने उनकी बातें सुनी, लेकिन हमने उनको बता दिया कि 2 दिन के अंदर मैडम आती हैं, तब तक हम यहाँ बैठे हैं, हम एक बार वार्ता के लिए मैडम के पास जाके उनसे मिलने के लिए तैयार हैं और वो अगर हमारे को धरना स्थल पर बैठने देंगे तो ठीक है, अगर इसके अंदर कोई कमियाँ हैं, कोई कागज़ों में कमी है तो वो हमारे को बताएं, उनको भी हम पूरा करेंगे और विधिवत रूप से हम धरने की परमिशन लेंगे, लेकिन अगर हमारे को परमिशन ना दे के बेफजूल में धारा 144 लागू की है, जो कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे कि धारा 144 लागू की जाए, तो अगर ये इसी तरीके से पतनकारी नीतियाँ करते रहे तो हम इनके विरोध में डेली हमने घोषणा कर दी, कल भी हम 10 बजे यहाँ पहुँच के धरना स्थल को बरकरार रखेंगे और लगातार ये धरना हमारा चलता रहेगा, अगर हमारी ये गिरफ्तारी करते हैं प्रशासन हमारा हमारे साथ कोई कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और धरने को लेकर के गुलिया खाप के अध्यक्ष ने साफ साफ संदेश दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है वो शांतिपूर्वक कानून के तहत यहां धरने पर मौजूद रहेंगे। हम बात करते हैं जिला पार्षद जगबीर जी से। जगबीर जी, आज इस धरना स्थल पर जो कार्रवाई हुई है और आगामी रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है? संजय भाई, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बता दिया
कि हमने परमिशन लेने की कोशिश की थी, जो हमें एक सप्ताह के बाद परमिशन ना देकर और धारा 144 लगा दी, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया और कंपनी के दबाव में आगे प्रशासन ने हमें एक जो आंदोलन है उसको बर्खास्त करने का या डगमगाने का काम कार्य किया जा रहा है। हम ऐसे नहीं डगमगाएंगे, हम अपना शांतिपूर्वक धरना लगातार अपने धरना स्थल पर देंगे। उसके बाद अगर प्रशासन से हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा और धरना स्थल को एक किला, दो किले, 100 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर अगर हटा के बैठने की परमिशन मिलेगी तो हम वो हटा के बैठेंगे, लेकिन यहाँ बैठेंगे ज़रूर। और प्रधान जी जैसे बता दिया कि हमारे किसान सभी इस धरने पर बैठेंगे और ज़रूरत पड़ेगी प्रशासन हमें गिरफ्तार करेगा तो हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने धरने को पूर्ण रूप से चलाएंगे और अपनी कंपनी से जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। सरपंचों की क्या भूमिका रहेगी धरने को लेकर के? आज विभिन्न गाँव के सरपंच आए हुए हैं, आपका क्या कहना है? ये संजय भाई साहब, जो प्रधान जी ने बताई है हम प्रधान जी के साथ हैं। आज तो प्रधान जी ने इतना आदेश नहीं दिया कि वे आदमी थोड़े लेकर आने हैं, अगर गिरफ्तारी होगी तो मुझे आदमियों की गिरफ्तारी करवाई जाएगी, लेकिन कल से हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएंगे। सरपंचों का कहना है कि गुलिया खाप के प्रधान के निर्देश के अनुसार वो कार्य करेंगे और आज धरने का प्रथम दिन होने के कारण कल से गांव में मुनादी के माध्यम से ज्यादा संख्या में लोगों को यहां आमंत्रित किया जाएगा धरना स्थल पर बैठने के लिए। और कल से जैसा कि हमें जानकारी दी है, सुनील खाप अध्यक्ष ने बताया है कि यदि धरना स्थल में प्रस्तावित जो परमिशन का जो मसला है, जो प्रशासन की तरफ से परमिशन ना देकर के इस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, उसके संबंध में वो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार हैं और आगामी रणनीति के लिए उन्होंने गांवों में मुनादी के माध्यम से कल से धरने को जारी रखने की घोषणा की है। समाचार कैरी के लिए कैमरामैन रवि कुमार के साथ संजय शर्मा की रिपोर्ट।